भाऊ यांना दहा दे रे प्रेमाने, प्रचंड वेग धारण कर आणि दहा देऊन टाक. बोला साहेब. भाऊ खातो का नेतो? नेतो. कोण नेतो? ते टोपी वाले दादा घे, दीड महिने पासून उभे. पाच खायचे का दादा? भाऊला पाच नेता करा, पाच नेता. दादा एखादी पेता का देऊ ना भाऊ? दहा चार पाच नेता ना एक पेता. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इरफान पटेल 07. आज हम लोग आए हैं संगम नेर समनापुर, जो कि नसीब वड़ा पाव है. यहाँ पर बहुत ही फेमस है. यहाँ आने का एक ही मकसद है कि एक ऐसी खास शख्सियत है यहाँ पर समनापुर में, अंसारी चाचा. तो इनसे मिलने के लिए हम लोग आए. हमने जो है बिल्कुल यहाँ पर घर है. तो ये देखिए उनका ओन हाउस बंगलो है, आप देखिए. तो वीडियो में बने रहिए, अभी हम उनसे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि ये कैसे उन्होंने जर्नी स्टार्ट की है यहाँ पर, इनके अपनी लाइफ के बारे में. तो चलो अभी हम लोग चलते हैं सीधा अंदर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. ये अंसारी चाचा है, इनके लाइफ के बारे में. उत्तर जो यहाँ पे वड़ा पाव जो है, ये नसीब वड़ा पाव के नाम से प्रसिद्ध है, जो समनापुर में आता है. और ये समनापुर जो है संगम नेर एरिया में आता है, जो कि 5 से 6 किलोमीटर के. अस्सलाम वालेकुम अंसार चाचा. वालेकुम अस्सलाम. सो फाइनली गाइस, आज हम लोग इरफान भाई के चैनल पे एक खास शख्सियत के साथ आ चुके हैं. समनापुर, ये नाम तो हम इनको याद ही रखना पड़ेगा गाइस, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी, इस समनापुर के लिए एक बहुत बड़ी शख्सियत बन चुके हैं अंसार चाचा हमारे, और फेसबुक हो और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर. सो उसकी वजह से हम लोग अभी जर्नी करके आए हैं सिर्फ यहाँ पर इनसे मिलने के लिए. और आज एक्चुअली संडे है, संडे होने की वजह से यहाँ पे कुछ गांव का कानून होते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने आज बंद था. किसी संडे चालू होता है, किसी संडे बंद होता है. हर संडे वीक, डेढ़ महीने से, हर संडे. हाँ, ड्यू टू लॉकडाउन प्रोटोकॉल. सैटरडे. तो चाचा आप बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आई बिलीव 1978 में स्टार्ट किया है, जो हम लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन आप हमारे भी इरफान भाई के भी चैनल पे बताए, ताकि आपके जो चाहने वाले हैं, जो आपको देख रहे हैं, वो आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेके अगर यहाँ बेचारे आना चाहे. बिकॉज आई बिलीव बहुत से लोग नासिक से आ रहे, पूना से आ रहे, मुंबई से आ रहे, तो उनका आने वालों का धक्का ना हो जाए, राइट? जैसे आज हम लोगों को, मतलब हमारी बदनसीबी है कि आज हमें नसीब वाला वड़ा पाव नहीं मिला, तो ये हमारी बदनसीबी है चाचा. बाकी हाँ, ये बताइए कि आपने 1978 में जब स्टार्ट किया था, तो ये वड़ा पाव से ही आपने ये वड़ा पाव का ही बिजनेस स्टार्ट किया था? हाँ. ओके. ये 78. ओके. 78 ना. हाँ. जैसा अपने इधर मराठी चलता है. ओके ओके. हाँ, 1978. ओके. 1978 के अंदर ये अपन ने चालू किए. वाओ. हाँ. और नहीं, आप अपने आप में एक ब्रांड बन चुके हो चाचा, नो डाउट, क्योंकि आपका जो सिस्टम है, अभी हम लोगों ने आपने जैसे दिखाया कुछ चीज़ें, हम लोगों ने चेक, चाचा का मतलब जो पानी का भी सिस्टम है, उन्होंने पूरा वाटर मतलब प्रोजेक्ट बिठा रखा है, वाटर प्यूरीफायर तक के फिट कर रखा है अपने सिस्टम में, अपने क्लाइंट्स को हाई क्वालिटी का जो भी होता है वो चीज़ें प्रोवाइड करके. अभी ये आपने टेक्नोलॉजीज को भी प्रिफर कर लिया है, क्योंकि आपका डिमांड बढ़ चुका है अभी आज मार्केट में, ठीक है. और एक चीज़ हम लोगों को ये क्वेश्चन करना चाहूँगा मैं आपको, कि इरफान भाई, हम लोगों ने वो चीज़ देखा था जो कि अपना चाचा के वड़ा पाव में जो वड़ा होता है वो इट इज़ काइंड ऑफ ए यूनिक, मतलब कुछ अलग है, हटके. नॉर्मली हम लोग वड़ा जो खाते हैं, इट इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ ए वड़ा पेस्ट, मतलब आलू का, पोटैटो का पेस्ट होता है, उसको बेसन में डाल के बॉईल करके फ्राई कर दिया जाता है. सो यहाँ पे चाचा आप बता, मैं आपसे ये जानना चाहूँ, आपका जो यूनिक वो चीज़ आप करते हो, बनाते हो, तो उससे क्या बेनिफिट, मतलब उसके लिए आपने वो उसका आपका कॉन्सेप्ट कैसे लाया, मतलब आपकी क्या विचार थी कि हाँ ये मैं ऐसा अलग बनाऊंगा इस चीज़ को लेकर? देखिए, पहले अपन है ना वड़ा बनाते थे, तो जो आलू होते हैं आलू जी, तो आलू क्या होता था, तुम्हारा आगरा है या तो फिर गुजरात है, तो ये जो आलू है ना, ये आलू पानी पकड़ के थोड़ा गिल्ला होता था. अच्छा. ओके. तो हाँ, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो आलू के अंदर है ना, ये अपना जो पोहा रहता है ना, हाँ, पतला, हाँ. उसको कागदी पोहा बोलते हैं. बराबर. तो वो डाल के ये करते थे, उसका पानी ये हो जाए, यानी जैसा भाई वो ऐसा, मतलब वो चूस ले. हाँ, चूस ले, फ्राई हो जाए. हाँ, ऐसा करके. और फिर वो उसमें चालू करते थे. तो अपन ने कैसा करें,
कि भाई वो जो पाव का टुकड़ा है, हाँ, हाँ, तो वो उसके पीछे का लॉजिक उसको लगा दिए तो वो पानी उस वहाँ पे खींच लेता है। हाइजेनिक भी होता है ये चाचा के वड़े की स्पेशलिटी जो हमने आपको चाचा के मुंह से आप चाचा की ज़बानी सुनाई हमने। पाव का जो टुकड़ा होता है ना बारीक वो पीसेस ब्रेड के पीस होता है ना वो ज्यादा से ज्यादा 2 ग्राम या 3 ग्राम से ऊपर नहीं होता। अच्छा ये स्पेशलिस्ट है मतलब आप। मैंने ये भी सुना है कि आपका जो बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1978 जैसे 1978 बोलते उससे पहले आप जो थे एक गरीब परिवार से आप बिलोंग करते हैं और बिल्कुल। आपने भी रेस्टोरेंट में काम किया है शायद, वो कहानी क्या है आपकी, आप वो बताएंगे जरा। देखिए 1900 मेरी कैसे 55 की जन्म तारीख है। अच्छा हाँ तो 55 की जन्म तारीख के अंदर जैसे कि मैं बचपन में हमारे जो वालिदा है वालिदा अम्मी जानते हैं तो 8-9 साल की एज में उनका इंतकाल हुआ था। तो फिर कैसे हैं अब्बा जी बहुत सारी गरीब में सब मिलके बनाते थे बीड़ी का कारोबार तो वो करते थे तो वो पूरा नहीं होता था। तो फिर हमने क्या किया कि भाई चलो हाथ थोड़ा सा हाथ लगाएंगे सहारा हो जाएगा। 63-64 के अंदर है ना हमने ये स्कूल छोड़ दी 12-12 साल की उम्र में आप 63-64 में हमने स्कूल छोड़ दिए और बस होटल में काम चालू करे एटलीस्ट वो अब्बा को एक सपोर्ट हो जाएगा घर के लिए सपोर्ट हो जाएगा। आज के तारीख में मतलब हमारे जो जनरेशन है हम तो सोचते हैं भाई हम लोग मैच्योर्ड होंगे 18 साल के बाद, हमारी कोई मतलब थॉट प्रोसेस होती ही नहीं है काम के रिलेटेड। और चाचा ने जो आज प्रूफ किया है, चाचा आपकी एज क्या एग्जैक्ट आज की तारीख? देखो 55 की जन्म तारीख है मेरी। ओके 1955 बर्थ है सर चाचा की। सो चाचा की गाइस आज की तारीख में दिखा है इरफान भाई 65 साल के चाचा रियली प्राउड ऑफ यू कि आपने मतलब और इस उम्र में भी ये जो आपके जो डायलॉग्स है और ये उम्र में भी आप ऐसे डायलॉग्स बोलते हैं जो जिसपे इंसान को भले वो लेट क्यों ना हो वो रुकेगा लेकिन वो स्माइल जरूर देगा। यस क्योंकि वो स्माइल जरूर देगा इसलिए देगा क्योंकि आप अगर वो डायलॉग सुने होगे तो आप खुद हंसोगे पहले। नहीं एक्चुअल में हम लोग इरफान भाई हम लोग चाचा से बोलने भी लाएंगे वो डायलॉग रे प्रेमाने प्रचंड वेग धारण कर दहा दे उनका बोला साहब भाऊ खातों का नेतो नेतो टोपी वाले दादा गए 1.5 महीने बस खाई का दादा भाऊला पांच नेता करा पांच नेता दादा एखादी पेता का देऊ ना भाऊ दहा चार पांच नेता ने एक पेता हे गया माई बाप सहा खाई छे सहा ना सर सहा दे बर 120 च्या स्पीड मध्ये आणा सहा दे महाप्रचंड वेग धारण कर एखादी पेता ना सर प्या त्या अक्काला दे 8 महिना झाला उभी ते अक्का सर तुम्ही नंबर नाही या प्लीज हे 1.5 महिन्यापासून थांबले माई बाप पाणी बॉटल एक दोन दोन खाता का दोन खाता नाही पेता इकडून या सर लेडीजला इकडून आरक्षण येते की नाही देतो माई बाप मला गिरेकाची लय गरज आहे भारतात सर्वात जास्त गरज मला आता काय सांगू तुम्हाला किती म्हटले खाता का नेता यांना 4 दे खाता। देखो मैं भी जो नए आने वाली पीढ़ी है जनरेशन है जैसा तुम जनरेशन बोलते हैं मैं आने वाली पीढ़ी की बात कर रहा हूँ तो आने वाली पीढ़ी उन्होंने ऐसा शिक्षण बहुत सारा लेना है लेकिन कोई काम को छोटा नहीं समझना है। एक बात दूसरी बात हो सके तो अपने माँ बाप का बिजनेस संभालो छोटे से बड़ा हो सकता है। बिल्कुल छोटे से यानी ये कुदरत का नियम है कुदरत का नियम जैसे कि अपन बोलते हैं ना निसर्ग नियम निसर्ग नियम ये है कि छोटे से बड़ा हो सकता है। बिल्कुल हाँ और हो सके तो माँ बाप का जो बिजनेस है उसमें हाथ बटाओ उसको बड़ा बनाने की कोशिश करो। तो जिसका बिजनेस नहीं है तो उसने क्या करना चाहिए कि भाई अभी जैसे कि मेरे पास बिजनेस नहीं है माँ बाप का बिजनेस नहीं तो मैं उसको तो ये बोलूँगा कि तू ये मत सोच के मैं
कॉलेज के पास साल सीख गया, उससे आगे सीखा या पीछे सीखा, इंजीनियर हो गया, अमुक हो गया, अमुक ये भी छोड़ दे तू। कोई भी काम का छोटा फील्ड हो बड़ा हो, कोई भी काम हो छोटा नहीं हो ही नहीं सकता, बिल्कुल, सिर्फ उसको लगन से दिल से करना।